हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया सिंप्लेक्स मेथड। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको सिंप्लेक्स मेथड की अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मैंने जो केस लिया है वो लिया है मिनिमाइजेशन केस, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको मैक्सिमाइजेशन पढ़ाया और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मिनिमाइजेशन केस। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू। उसके बाद जो कॉन्स्टेंट दी हुई है वो मेरे पास दी है टू एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू फोर एंड एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू सेवन। जब भी हमारे पास मिनिमाइजेशन केस होगा तो जो इक्वल जो हमारे पास साइन होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं मैक्सिमाइजेशन के मैं कन्वर्ट करूंगा। मैक्सिमाइजेशन में इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये केस मेरा जो बनेगा वो बनेगा मैक्सिमाइजेशन केस। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, यहां पे हमारे पास ग्रेटर देन है, मींस ये वाली रकम ग्रेटर देन है, इससे इसको इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। जैसे पिछली वीडियोस में मैंने क्या किया है, सरप्लस वेरिएबल ऐड किया था, इसमें जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं उसको क्यों करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है कन्वर्टिंग द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू मैक्सिमाइजेशन। इसको मैं मैक्सिमाइजेशन में करूंगा कन्वर्ट, जैसे मैंने यहां पे किया है, इसको मैंने जेड स्टार लिखा है और इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये हमारे पास बना मैक्सिमम। ओके फ्रेंड्स, दूसरे स्टेप पे मैंने क्या किया कि यहां पे जो सरप्लस वेरिएबल जो एक्स्ट्रा था उसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने, मींस एस वन को मैंने सरप्लस वेरिएबल लिया हुआ है और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया यहां पे भी और यहां पे भी। उसके बाद मेरे पास मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों ऐड किया, क्योंकि मेरे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनानी होती है, जैसे कि जब भी हम किसी को सॉल्व करते हैं, जब एंटर वेक्टर लिविंग वेक्टर होता है तो उस टेबल में, उस वक्त जो टेबल में क्या होता है कि मेरे पास जो होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे ये टेबल है तो यहां पे अगर S1 S2 मैंने किया, क्योंकि दोनों माइनस वाले हैं तो माइनस वन और जीरो आया, यहां पे जीरो और माइनस वन आया, तो ये आइडेंटिटी नहीं बनी। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मेरे पास होती है वन जीरो जीरो वन ऐसे, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने पड़े। तो सो आई हैव एडेड आर्टिफिशियल वेरिएबल हियर एंड हियर, इधर भी मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया, इधर भी आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया। ओके फ्रेंड्स, अब मेरे पास ये बना वेयर जेड स्टार इज इक्वल टू माइनस जेड। ओके, तो जो नेक्स्ट केस मेरे पास, अब मैं फेज वन स्टार्ट करता हूं क्योंकि इसमें दो फेज आएंगे। फेज वन में आता हूं, इसमें फेज वन में क्या करता हूं, मैं फेज वन में मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेना है और इनको रिमूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फेज वन लिया मैंने मैक्सिमम जेड, जो मेरे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल दो थे ए वन और ए टू, इनको लिया और उनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस ए वन और माइनस ए टू, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हर एक में ऐसा ही करना है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया मैंने वो आर्टिफिशियल वेरिएबल का लिया। ओके, और जो कॉन्स्टेंट है वो वैसी की वैसी ली, टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एस वन प्लस ए वन इज इक्वल टू फोर और एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू माइनस एस टू प्लस ए टू इज इक्वल टू सेवन, और एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू ए वन ए टू ये सारे के सारे ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इसका टेबल मैं रिप्रेजेंटेशन की है, मैंने सीजे लिया है कोफिशियंट ऑफ द बेस, जो इधर हैं हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशियंट। तो x1 का कोफिशियंट यहां पे देखिए, यहां पे x1 है ही नहीं तो x1 का कोफिशियंट जीरो, x2 भी यहां पे नहीं है तो x2 का कोफिशियंट जीरो, s1 भी नहीं है तो s1 का कोफिशियंट जीरो, s2
भी नहीं है तो उसका भी जीरो, सिर्फ ए वन और ए टू है और इनके कोफिशियंट माइनस वन है और माइनस वन, तो मैंने लिया है ए वन का कोफिशियंट माइनस वन और ए टू का कोफिशियंट माइनस वन। ओके, उसके बाद लिखा मैंने सोल्यूशन ऑफ द बेस। सोल्यूशन ऑफ द बेस क्या है मेरे पास, फोर और सेवन, क्योंकि ये इज इक्वल टू के आ गए तो ये लिया मैंने फोर और सेवन। उसके बाद मैंने क्या लिया, वेरिएबल इन द बेसिस। वेरिएबल बेसिस में क्या क्या है, वो है आर्टिफिशियल वेरिएबल ए वन और ए टू, ए वन और ए टू, ठीक है, और इनके कोफिशियंट है माइनस वन और माइनस टू। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने ये टेबल भरा। इस टेबल को कैसे भरते हैं, जो एक्स वन का कोफिशियंट है वो यहां पर लिखा, एक्स टू का कोफिशियंट यहां पर लिखा, फिर एस वन का कोफिशियंट यहां पर लिखा, एस टू यहां पर नहीं है तो एस टू का कोफिशियंट जीरो आएगा, ए वन यहां है तो ए वन का कोफिशियंट वन है, ठीक है, ये वाले कॉन्स्टेंट का, ठीक है। उसके बाद एक्स वन का कोफिशियंट वन है तो ये वन लिखा मैंने, एक्स टू का कोफिशियंट सेवन है तो सेवन लिखा मैंने, एस टू का माइनस वन है, सॉरी एस वन का यहां पे है ही नहीं तो एस वन का जीरो आएगा, एस टू का माइनस वन, और ए वन का है नहीं यहां पे तो ए वन जीरो आएगा, और ए टू का है तो ए टू का वन आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ZJ फाइंड आउट करेंगे। ZJ कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको डिस्कस किया है, सिंप्लेक्स मेथड मैंने पढ़ाया है, वहां पे मैंने आपको बोला है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं ZJ। यहां पे भी मैं बोलता हूं आपको ZJ कैसे फाइंड करते हैं, जो कोफिशियंट ऑफ द बेस है ये इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स वन के कोफिशियंट के साथ, एक्स वन का जो इधर है कोफिशियंट, तो इसको मल्टीप्लाई किया, टू वन जार टू, तो माइनस टू वो लिखना है, माइनस टू यहां पर लिखता हूं मैं माइनस टू, उसके बाद प्लस, यहां पे माइनस है तो माइनस ही आएगा, माइनस वन, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वन वन जा वन तो वन, तो मेरे पास आएगा माइनस थ्री, ठीक है फ्रेंड्स, तो माइनस थ्री आया। इसी तरह नेक्स्ट भी करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया वन वन जा वन माइनस वन, फिर यहां पे माइनस है तो माइनस ही आएगा, अगर प्लस होता तो प्लस ही आता, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेवन वन जा सेवन, तो ये बनेगा माइनस एट, इसी तरह माइनस एट यहां पे लिखा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप करना है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको तो आया वन, फिर इसको भी किया मल्टीप्लाई, यहां पे भी आया वन, फिर इसको मल्टीप्लाई किया माइनस वन और माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, सीजे माइनस जेडजे फाइंड आउट करना है, तो सीजे माइनस जेडजे क्या है, सीजे यहां पर है, जेडजे यहां पर, तो जीरो माइनस थ्री तो माइनस माइनस प्लस तो बनेगा प्लस थ्री, इसी तरह जीरो माइनस एट तो माइनस माइनस प्लस बनेगा तो आएगा एट, फिर जीरो माइनस वन तो माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन, माइनस माइनस प्लस बनेगा तो वन माइनस वन जीरो, इस तरह यहां पे भी जीरो आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि एंटर वेक्टर, एंटर कौन करेगा, तो एंटर वेक्टर मेरे पास कौन करेगा, जैसे कि मैंने सिंप्लेक्स मेथड में आपको पढ़ाया है कि जब हमारे पास मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि इस वक्त हमने मैक्सिमाइज बनाया है, उस वक्त इनमें से जो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, सबसे पहले देखना हमने कि यह ऑप्टिमल है या नहीं है, यह ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सारे cj माइनस zj जो है लेस देन और इक्वल टू जीरो नहीं है, ये सारे के सारे लेस देन होने चाहिए, किस केस में, मैक्सिमाइजेशन केस में, क्योंकि इस वक्त हम मैक्सिमाइज ले रहे हैं, हमने कन्वर्ट किया है मैक्सिमाइजेशन में। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने एंटर वेक्टर करना है, तो एंटर वेक्टर कौन आएगा, जो एंटर कॉलम, जो की कॉलम आएगा वो आएगा इनमें से जो सबसे बड़े पॉजिटिव वैल्यू होगी, इनमें से जो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होगी, इनमें से सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू 8 है, सो हम 8 के थ्रू एंटर करेंगे, तो 8 के थ्रू एंटर किया। उसके बाद जो है हमने मिनिमम रेशो फाइंड आउट करनी है, मिनिमम रेशो कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास कॉलम एंटर हुआ और जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन को डिवाइड करना है उस कॉलम से जो एंटर हुआ, यहां पे मैं करता तो, लेकिन यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने यहां पे किया हुआ है, तो कैसे किया मैंने, मैं आपको बताता हूं, एक्स बी अपॉन एक्स टू, तो मैंने लिखा है एक्स बी अपॉन एक्स टू, तो पहला मैं फोर डिवाइडेड बाई वन, तो मैंने लिखा फोर डिवाइडेड बाई वन आया फोर, दूसरे पे सेवन डिवाइडेड बाई सेवन, तो सेवन डिवाइडेड बाई सेवन आया वन, तो इन दोनों में से जो मिनिमम वन है तो वन के थ्रू एंटर करेगा, तो ये आएगा एंटर रो, मतलब की रो, तो जो की रो होगी वो ऐसे करके और यहां से, तो ये बना हमारे पास की एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, की एलिमेंट मतलब कि इस एलिमेंट को हमने वन बनाना है, क्या करना है, वन बनाना है, ताकि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। अब हमारे पास जो एंटर वेक्टर होगा वो एक्स टू होगा,
और ल्यू कौन करेगा, वो ल्यू करेगा ए टू, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह आया ना ये, ओके। तो एक्स टू की जगह पे आएगा अब, सॉरी ए टू की जगह पे आएगा अब एक्स टू, तो मैंने रिप्लेस किया है, नेक्स्ट टेबल बनाया है मैंने, सी जे वैसे के वैसे ही, एक्स पी वैसे का वैसा ही, अब हमारे पास जो लिव कर रहा है वो ए टू कर रहा है, तो इसलिए यहां पे ए टू मैंने नहीं लिखा, क्योंकि वो लिफ्ट लिव हो गया, निकल गया, तो इसलिए मैंने यहां पे ए टू नहीं लिखा, ओके फ्रेंड्स। तो मैंने ए वन तक ही लिखा, उसके बाद जब मैंने ए वन तक लिखा, ए टू यहां से निकालकर एक्स टू लिखा, अब मुझे क्या चाहिए इस लाइन में, यहां पे मुझे वन चाहिए, क्या चाहिए, वन चाहिए। उसको वन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सेवन को डिवाइड करूंगा सेवन के साथ, ओके। तो जब मैंने सेवन को सेवन के साथ डिवाइड करेगा, पूरी रो को डिवाइड करना है, तो यहां पे जब मैं करूंगा तो सेवन अपॉन सेवन वन, तो मैंने वन लिखा यहां पे, ओके। फिर वन अपॉन सेवन, तो मैंने वन अपॉन सेवन, फिर सेवन अपॉन सेवन वन, तो वन लिखा मैंने, जीरो डिवाइडेड बाई सेवन, तो ये आया। इसी तरह माइनस, तो माइनस वन बाई सेवन, इसी तरह यहां पे जीरो, और ये मैंने छोड़ दिया लाइन, तो मैंने छोड़ दिया, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब मुझे चाहिए यहां पे जीरो, यहां पे क्या चाहिए मुझे, जीरो। जीरो कैसे आएगा, जीरो आएगा जब मैं, देखो यहां पे भी वन है, यहां पे भी वन है, अब इस रो में से इसको माइनस करना है, तो वन यहां पे भी है, वन यहां पे भी है, तो सीधा मैं करता हूं वन माइनस वन, मीन्स इस रो को माइनस करता हूं इसके साथ, ओके फ्रेंड्स। तो जब मैं यहां से करूंगा फोर माइनस वन, तो थ्री आया यहां पे, इसी तरह टू माइनस वन बाई सेवन, तो मेरे पास आएगा थर्टीन बाई सेवन, फिर वन माइनस वन, तो जीरो, ओके, माइनस वन जीरो, तो माइनस वन, इसी तरह ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ओके फ्रेंड्स। हो गई मेरे पास ये टेबल कंप्लीट हो गया, ओके। अब जिस तरह इस टेबल में मैंने जेड जे फाइंड आउट किया था, इस तरह यहां पे भी जेड जे मैंने फाइंड आउट किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, और इसको इसको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया माइनस थर्टीन बाई सेवन, फिर जीरो वन माइनस वन बाई सेवन और माइनस वन, ओके फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सी जे माइनस जेड जे फाइंड आउट किया, तो सी जे माइनस जेड जे जब फाइंड किया, तो मेरे पास आया थर्टीन बाई सेवन, जीरो माइनस वन, वन बाई सेवन एंड जीरो, ओके। अब जैसे ऊपर वाले मैंने हमने देखा था कि सारे सी जे अभी जीरो या जीरो से छोटे नहीं है, इसलिए अभी हम एक और प्रोसीड, अभी और प्रोसीड करना है। तो इनमें से सबसे बड़ा मेरे पास है थर्टीन बाई सेवन, देखिए इनमें सबसे बड़ा मेरे पास है थर्टीन बाई सेवन, इसलिए थर्टीन बाई सेवन एंटर होगा, मीन्स एक्स वन का कॉलम एंटर होगा, किसकी जगह पर एंटर होगा। अब हमने क्या करना है, कॉमन रेशो फाइंड करना है, क्या करना है, मिनिमम रेशो फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम रेशो कैसे फाइंड होगा, वो होगा फाइंड एक्स बी जो सोल्यूशन है डिवाइडेड बाई एक्स वन, तो 13 डिवाइडेड बाई 13 बाई 7, तो मैंने लिखा है 3 डिवाइडेड बाई 13 बाई 7, तो आया है 21 बाई 13। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 7, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 7। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये कॉलम एंटर होगा, किसकी जगह पे अब एंटर होगा, इनमें से जो मिनिमम है वो है 21 बाई 13। तो इस रो को देखते हैं, इस रो को जब देखेंगे तो A1 आएगा, मींस A1 की जगह पे अब आएगा X1, ठीक है फ्रेंड्स, X1 अब आएगा A1 की जगह पे, ओके। सो नेक्स्ट टेबल मैंने जब बनाया है उसमें मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट टेबल जब मैं बनाया तो CJ मैंने फिर से वैसे लिखा, XB, इस वक्त A1 भी रिप्लेस हो रहा है, क्या A1 भी रिप्लेस हो रहा है। जब A1 रिप्लेस होगा तो जब नेक्स्ट में लिखूंगा तो इसमें A1 की लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस वक्त सिर्फ X1, X2, S1 और S2 लिखता हूं, A1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख दिया मैंने, और जो बेस है, अब बेस में क्या आएगा, A1 की जगह पे X1 आएगा, ठीक है, और X2 वैसे का वैसे ही X2 यहां पे रहेगा, ओके। अब मुझे क्या करना है, 13 बाई 7 इसको मुझे 1 बनाना है, 13 बाई 7 1 कैसे बनेगा, इसको मैं क्या करता हूं, इस पूरी रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 बाई 13 से, क्योंकि ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो 1 आएगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 बाई 13 के साथ। तो जब मैं पूरी रो को मल्टीप्लाई करूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 13, तो 7 3 21, तो मेरे पास बनेगा 21 बाई 13, फिर 13 बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 13, तो 1 बनेगा मेरे पास। इस तरह 0 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा,
माइनस वन से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस सेवन बाई थर्टीन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वन बाई सेवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा वन बाई थर्टीन, ओके। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे चाहिए वन बाई सेवन, सॉरी यहां पे मुझे चाहिए जीरो, क्योंकि यहां पे वन बनाया मैंने, अब मुझे यहां पे चाहिए जीरो। तो यहां पे जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वन को क्या करूं मैं कि यहां पे वन बाई सेवन बने, सॉरी यहां पे मुझे जीरो बने। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं वन बाई सेवन के साथ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा वन बाई सेवन के साथ, फिर इसमें से इसको माइनस करता हूं तो वन बाई सेवन माइनस वन बाई सेवन जीरो आएगा, ओके फ्रेंड्स। इसी तरह मैं यहां पे करता हूं, पूरी रो को मैंने करना है तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं वन बाई सेवन के साथ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा वन बाई सेवन के साथ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा टेन बाई थर्टीन, ओके। फिर इसमें से इसमें माइनस करता हूं मैं, फिर इसी तरह यहां पे वन बाई सेवन, फिर इसमें इसमें माइनस करता हूं तो मेरे पास आएगा जीरो। इस तरह यहां पे करना है, इसको जब मैं वन बाई सेवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा, तो वन आएगा मेरे पास यहां पे। फिर इसी तरह इधर भी मैंने करना है, वन बाई सेवन के साथ जब भी आप मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास बचेगा वन बाई थर्टीन। तो जीरो माइनस वन बाई थर्टीन तो आएगा वन बाई थर्टीन, क्योंकि माइनस है यहां पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा वन बाई थर्टीन। इसी तरह यहां पे आएगा माइनस टू बाई थर्टीन, एस टू यहां से माइनस करता हूं मैं, ओके। तो अब आ गया मेरे पास ये वाला टेबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं फिर से फाइंड आउट करूंगा जेड जे, तो इसका कोएफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे दोनों जगह जीरो है तो जीरो जीरो आएगा मेरे पास, तो जेड जे इस वक्त मेरे पास आया जीरो 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 जीरो, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब मेरे पास जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स थे वो दोनों के दोनों रिमूव हो गए। तो फेज वन का काम ये होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना, क्या होता है फेज वन का काम, फेज वन का काम होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को रिमूव करना। तो मेरे पास जो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे ए वन और ए टू, वो दोनों के दोनों रिमूव हो गए, तो मेरे पास जो फेज वन का काम था वो खत्म हो गया। अब मैं प्रोसीड करता हूं फेज नंबर टू की तरफ। फ्रेंड्स जब मैं फेज टू की तरफ प्रोसीड करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस वक्त फेज टू में क्या आएगा, जो मैंने मैक्सिमम जेड लिया था माइनस एक्स वन और माइनस एक्स टू, जो मैंने मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट किया था, मेरे पास आया था माइनस एक्स वन और माइनस एक्स टू, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस वक्त आएगा। तो मेरे पास इस वक्त एक्स वन का कोफिशियंट क्या है, वो है माइनस वन, एक्स टू का कोफिशियंट है माइनस टू, और एस वन का जीरो है यहां पे, और एस टू का भी जीरो है। इसको मैं लिख सकता हूं प्लस जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लिखा मैंने, उसके बाद जो पुराना टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, जो रेडी किया हुआ था अभी, उसी को लिखना है। फ्रेंड्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने चेंज किया, बाकी जो सॉल्यूशन है 21 बाई 13 वैसे क्या वैसा लिखा, 10 बाई 13 वैसे क्या वैसा लिखा। उसके बाद जो बेस था एक्स वन एक्स टू, मैंने लिखा एक्स वन एक्स टू, कोफिशियंट ऑफ द बेस इस वक्त मैंने लिखा, कोफिशियंट ऑफ द बेस क्या है, एक्स वन का कोफिशियंट माइनस वन है, एक्स टू का कोफिशियंट माइनस वन है, तो लिख दिया मैंने। उसके बाद अंदर से वन, तो वन जीरो जीरो माइनस सेवन बाई थर्टीन माइनस सेवन बाई थर्टीन वन बाई थर्टीन वन बाई थर्टीन, और इस तरह सेकेंड रो भी यहां पे मैंने लिख दी, ओके। अब इसको फिर जैसे हमने सिंपलेक्स मेथड किया हुआ वैसे इसमें भी प्रोसीड करना है। फेज वन और फेज टू में सिर्फ इतना फर्क है कि फेज वन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल का आता है, और फेज टू में जो हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट की है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है, बस इतना फर्क है। बाकी जैसे सिंपलेक्स मेथड हमने किया अभी तक वैसे ही का वैसे ही करना है, ठीक है। अब हम जेड जे फाइंड आउट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द बेस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मैंने किया हुआ है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस वन, फिर यहां पे वन है माइनस है तो माइनस आएगा, वन वन सा वन, वन जीरो सा जीरो सॉरी, तो आएगा मेरे पास माइनस वन, तो मैंने यहां पे लिखा। इसी तरह इस तो इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जीरो, फिर माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई बाई सॉरी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई वन, तो वन आया माइनस वन, ठीक है ये कंसेप्ट। इस तरह इसको भी करना है, इसको मैंने किया हुआ है यहां पे, इसको इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा सेवन बाई थर्टीन, इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा आएगा माइनस वन बाई थर्टीन, फिर इन दोनों को माइनस किया मैंने आया सिक्स बाई थर्टीन, ओके फ्रेंड्स। इसी तरह नेक्स्ट भी मैंने किया, इसको और इसको माइनस सॉरी मल्टीप्लाई किया माइनस वन थर्टीन, तो आया माइनस वन बाई थर्टीन,
और इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, आया 2/13, तो मेरे पास आया 1/13। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फाइंड आउट किया मैंने जेड जे। ओके, ये रफ है, इसको नहीं लिखना है, ये मैंने रफ में किया हुआ है। अब सी जे माइनस जेड जे फाइंड किया, तो सी जे माइनस जेड जे क्या आया मेरे पास, -1 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। ओके, अब हमारे पास इस वक्त सी जे माइनस जेड जे सारे के सारे लेस देन जीरो है, तो हमारे पास इसी टेबल में क्या, इसी टेबल में हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। हमारे नेक्स्ट टेबल जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर नहीं आता ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो फिर हमें नेक्स्ट टेबल जैसे प्रोसीड, जैसे ऊपर मैंने प्रोसीड किया वैसे ही सेम करना था इसमें, लेकिन मेरे पास पहले ही टेबल में आंसर आ गया है, तो इसलिए मैं इसी को आंसर मानता हूं। तो इस वक्त मेरे पास क्या है, x1 जो मेरे पास 21/13 है, तो मैं लिखूंगा सिंस ऑल सी जे माइनस जेड जे लेस देन आर इक्वल टू जीरो, फिर सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। जो मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्या है, वो ऑप्टिमल है। तो x1 आएगा 21/13 और x2 आएगा 10/13, 10/13 और 2। x1 जो मेरे पास है 21/13 और x2 मेरे पास है 10/13। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं पुट करूंगा वैल्यू जो मिनिमम z मैंने लिया था, जो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, मिनिमम z। ओके, तो मिनिमम z क्या है, वो माइनस मैक्सिमम z है, और मेरे पास जो मिनिमम z था वो था, सॉरी मैक्सिमम z जो था -x1 - x2, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं माइनस के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, मींस जो ओरिजिनल हमारे पास है गिवन वही रखना है। तो आएगा 21/13 +10/13, तो मेरे पास आया 31/13, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो ये है मेथड, टू फेज मेथड, सिंपलेक्स मेथड। फ्रेंड्स, अगर इस मेथड की आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कोई भी डाउट हो इसमें या ऑपरेशन रिसर्च में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।